पर किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आखिर उनकी इतनी बड़ी नेटवर्थ का क्या सीक्रेट है। तब उनके पीछे रखे बुकसेल्फ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर रोज लगभग 500 पेजेस पढ़ता हूं। उनका मानना है कि नॉलेज की कंपाउंडिंग पैसों की कंपाउंडिंग से ज्यादा तेज होती है। सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं है जो रीडिंग को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। एंजलिस्ट के फाउंडर और ट्विटर उबर जैसे स्टार्टअप को अर्ली स्टेज पर फंडिंग देने वाले एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत को जब पूछा गया कि नए मेंटल मॉडल्स बिल्ड करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, तब वो सिर्फ एक ही सेंटेंस बोले, रीड अ लॉट। चाहे तो वो बोल सकते थे कि मूवीज देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, लेकिन नहीं, उन्होंने रीडिंग को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि कोई भी नए आइडियाज किसी भी इंसान के दिमाग से निकलकर सबसे पहले पेपर पर लैंड होते हैं और उसके बाद ही मूवीज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्री पर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया के टॉप 1% लोगों में इसीलिए शामिल हूँ क्योंकि मैं डेली 1 से 2 घंटे पढ़ता हूँ। और हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बुक्स पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो किसी भी बुक की समरी यूट्यूब पे आसानी से मिल जाती है और वो भी फ्री में, फिर हम क्यों बुक्स रीड करने के चक्कर में अपना टाइम और पैसा बर्बाद करें। तो हाँ, ये कुछ हद तक सच है, लेकिन जैसे बॉडी के इफेक्टिव यूज के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही ब्रेन के इफेक्टिव यूज के लिए रीडिंग जरूरी है। अब आप जरा सोचिए कि फ्यूचर में आप कितने सक्सेसफुल होंगे अगर आज आपने इलोन मस्क को अपना बिजनेस पार्टनर बना के कोई कंपनी स्टार्ट की है और इलोन उनके सभी बिजनेस सीक्रेट्स यूज करेंगे जो उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स को बनाने में यूज किए थे। आप कितने अमीर होंगे अगर खुद वॉरेन बफेट आपको सिखाए इन्वेस्ट कहाँ और कैसे करें और वो सभी टिप्स दे जो उन्होंने बर्कशायर हाथवे को बनाते वक्त यूज की थी। जरा सोचो आप कितने लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हो अगर खुद गैरी वी आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाए। ये सभी बातें पॉसिबल है अगर आपके पास उन लोगों की बुक्स है तो। बुक्स पढ़ना मेंटर्स से पर्सनल ट्रेनिंग लेने के बराबर है। वैसे तो बुक्स की वैल्यू उनकी प्राइस से कई गुना ज्यादा होती है। आपको कुछ ही 100 रुपीज की बुक से ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपको लाखों रुपए बनाने में हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि रिच डेड पुअर डेड और द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखी बातें। एक स्टडी से पता चला है कि जो लोग साल में 7 या उससे ज्यादा बुक्स रीड करते हैं उनके मिलियनर बनने के चांसेस 122% तक बढ़ जाते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि बुक्स न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होती है, साइज में बहुत ही छोटी लेकिन उसकी असर हमारी लाइफ पर बहुत बड़ी होती है। इसीलिए तो जर्मनी में 1933 में एडोल्फ हिटलर के कहने से हजारों बुक्स को जला दिया गया था जिससे वो बुक्स किसी को इन्फ्लुएंस ना करे और उनका शासन चलता ही रहे। ये सभी बातें जानते हुए भी यंगस्टर्स बुक्स रीडिंग में कई गलतियां करते हैं और उसी मिस्टेक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मिस्टेक नंबर 1, रीडिंग द रॉन्ग बुक। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कामयाब लोग रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की बुक्स रीड करें। आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जिस चीज की अभी आपको जरूरत हो। जैसे अगर अभी आपकी जेब में 100 रुपए भी नहीं है तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ना बेकार है। ऐसी सिचुएशन में अभी आपको वो बुक्स रीड करनी चाहिए जिससे आप कोई नई स्किल सीखो और उसके लिए लोग आपको थोड़ा बहुत पे करना स्टार्ट करे। बाद में आप रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और रिच डेड पुअर डेड जैसी बुक रीड करो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में डुबकी लगाओ। अगर आप खुश हो लेकिन आपको लोगों से बात करना नहीं आता तो हैप्पीनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने से बेहतर है कि आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और कुछ बुक्स के कंसेप्ट को समझने में उतने पेजेस की जरूरत नहीं होती जितने पेजेस उसमें जानबूझकर भरे जाते हैं। इसलिए मैं CSB फॉर्मूला का यूज करता हूँ जिसमें सबसे पहले C, यानी कि मैं किसी भी बुक के कंसेप्ट को सबसे पहले जानता हूँ। अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगे तब मैं आता हूँ S, यानी कि उसकी समरी पे, और समरी रीड करने के बाद भी मुझे लगे कि ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है तभी मैं वो बुक रियल में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मिस्टेक नंबर 2, रीडिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। कहा जाता है कि आप कितनी बुक्स के थ्रू गए वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितनी बुक्स आपके थ्रू गई ये बहुत मैटर करता है, जो सच भी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको एक वीक में एक बुक खत्म करनी ही है। आप महीने में एक बुक रीड करो या पूरे साल में 4 बुक रीड करो, भले ही स्लो जाओ लेकिन चलते रहो, रुको मत। बहुत छोटी सी शुरुआत करो, डेली 1 पैराग्राफ पढ़ो, फिर डेली 1 पेज पढ़ना स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। जैसा हमने मिनी हैबिट्स में सीखा था कि इतने छोटे स्टेप्स लेते जाओ कि उसे इग्नोर करना आपके लिए नामुमकिन हो जाए। आप चाहे हजारों बुक्स पढ़ लो लेकिन अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट नहीं करते तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। कहा जाता है कि क्या करना चाहिए ये जानने से बेहतर है आप वो करना स्टार्ट करो जो आप जानते हो। और नवल रविकांत भी कहते हैं कि रीडिंग कोई रेस नहीं है, जितनी अच्छी बुक हो उतना ही आपको उसे स्लोली रीड करना चाहिए। कि आप जानते हो वर्ल्ड फेमस रैपर एमिनेम भी अपनी
वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए डेली डिक्शनरी रीड करते हैं ताकि वो वर्ड्स की सही तरीके से राइमिंग कर पाए। एक बात याद रखो, आप रातों रात प्रो रीडर नहीं बन जाओगे, आपको धीरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आसपास रीडिंग का माहौल बनाओ, जैसे कि आपको कोई चीज अवॉइड करनी है तो आप उसे अपनी नजरों से दूर रखते हो, और कोई चीज आपको पसंद है तो आप उसे अपनी आंखों के सामने रखते हो। वैसे ही अपने बैग में एक दो बुक्स लेकर घूमो। दी 5 AM क्लब में रोबिन शर्मा कहते हैं कि अगर आपको अपने घर से ऑफिस आने जाने में डेली 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है तो आपको ट्रैफिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी मतलब सेम ट्रैवलिंग और ट्रैफिक में रोड पर आ रहे बिलबोर्ड्स, दूसरों की एडवर्टाइजमेंट्स, टॉक्सिक न्यूज और हर रोज का सेम रास्ता और ट्रैफिक देखने की बजाय आप वो टाइम को लर्निंग के लिए यूज करो। ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैवलिंग के दौरान सो जाते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं या तो अपने गैजेट्स के साथ खेलने में और चिट चैटिंग में अपना प्रीशियस टाइम गंवा देते हैं, जबकि अचीवर्स बुक्स रीड करके, ऑडियो बुक्स या बुक समरी सुन के और पॉडकास्ट के जरिए अपने टाइम का लेवरेज लेते हैं। फैक्ट तो ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान सुना सिर्फ एक नया आइडिया आपको लाखों रुपए बनाने में हेल्पफुल हो सकता है, या तो फिर आपकी क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। यानी कि अपने टाइम का अपने आप में किया इन्वेस्टमेंट आपको सबसे ज्यादा रिटर्न दिला सकता है। और हाँ, एक बात याद रखो, वही बुक्स पढ़ो जो आपको पसंद हो, रीडिंग को आप एंजॉय करो, आप चाहे उस मीडियम का यूज करो। बुक्स के लिए मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ क्योंकि दूसरों के लिए वो एक्सपेंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। तो जाइए अपने नजदीकी बुक स्टोर पर, बुक्स खरीदे और रीडिंग स्टार्ट करें। धन्यवाद।